इस मंच को चाहता हूं कि एक ऐसे आलम भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आलम सुल्तानपुर एक ऐसा गीतों गजलों छंदों की दुनिया का एक ऐसा राजकुमार है, आपके मंच पर आया है, जिसने भारतीय संस्कृति का जीम और रसखान की परंपरा है उसके गीतों की संरचना की। भाई आलम सुल्तानपुरी को गंगा जल में नहाना पसंद है, राम और कृष्ण के गीतों की संरचना करके पूरे देश में इन्होंने कविता का एक पहाड़ सा खड़ा किया। आपकी जोरदार तालियां आ जाएं भाई आलम सुल्तानपुरी के लिए और ये कविता का यश आपके बीच में आए, मैं बधाइयां करता हूं। ये देखो बिना कोई बातचीत करे हुए, हाँ सुनना आलम को सुनना, मैं सीधे सीधे आपको चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। सुनेंगे दोस्तों, चार चार पंक्तियां से आपको जोड़ूंगा आलम भाई। कि कभी तुलसी कभी तुलसी कभी कबीरा कभी रसखान कह देना, कभी तुलसी कभी कबीरा कभी रसखान कह देना, खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना, खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना, हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है, हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है, हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना, हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना। वाह 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 आलम, जय हो आलम की, वाह वाह। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। वाह वाह वाह। कि मंदिर में शिवालों में मंदिर में शिवालों में मस्जिद की अजानों में, वाह मंदिर में शिवालों में मस्जिद की अजानों में है नाम तेरा रोशन तस्बीह के दानों में, है नाम तेरा रोशन तस्बीह के दानों में, कलयुग के जमाने का क्या हाल सुनाऊं मैं, कलयुग के जमाने का क्या हाल सुनाऊं मैं, अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में, अब जहर भी बड़ी पंक्तियां थी, तालियां कमजोर हैं साहब, वाह 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 वाह। अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में, चार पंक्तियां और इसी आलम बहुत बढ़िया पढ़ा है, वाह वाह। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में, अब जहर भी बिकता है अमृत की दुकानों में, चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। पंक्ति में महाकाव्य हो गया, सुनेंगे साहब। कि वह शत का जमाना है हर हाथ में पत्थर है, हर हाथ में पत्थर, वह शत का जमाना है हर हाथ में पत्थर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है, ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो, ऐ मेरे बुजुर्ग गुरुगों तुम मरने की दुआएं दो, इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है, इस दौर में जीना आलम 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 आलम, हमें दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों का अभिनंदन, जय हो आलम। ये पंक्तियां फिर से पढ़िए, कभी सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाया। वह शत का जमाना है हर हाथ में पत्थर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है, ऐ मेरे बुजुर्गों तुम
मरने की दुआएं दो, ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो, इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है, इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं, सुनेंगे कि हमने नफरत की वो दीवार गिरा रखी है, हमने नफरत की वो दीवार गिरा रखी है, एकता सबने यहाँ ऐसी बना रखी है, एकता सबने यहाँ ऐसी बना रखी है, कोई दुश्मन न मेरे देश में घुस पाएगा, कोई दुश्मन न मेरे देश में घुस पाएगा, हमने सरहद पे वो बारूद बिछा रखी है, हमने सरहद पे वो बारूद बिछा। और ये चार पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं, सुनिएगा, बहुत छोटा सा गीत पढ़ूंगा इसलिए चार चार पंक्तियों से अपनी बात पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा, तमाम कश्मीर के लिए तमाम लोगों ने तमाम बातें बताई, अच्छा है। मैं चार पंक्तियों में आपको ये बताऊंगा कि कश्मीर में सिवाय हिंदुस्तान के कुछ है ही नहीं और। सही बात। ये चार पंक्तियां सुनिएगा। वाह 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 वाह। कहीं पर चीन लिखा है, कहीं जापान लिखा है, कहीं पर चीन लिखा है, कहीं जापान, कहीं अमरीका है लिखा, कहीं ईरान लिखा है, जमाने भर में क्या लिखा है ये हमको नहीं मालूम, जमाने भर में क्या लिखा है ये हमको नहीं मालूम, मगर कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह वाह वाह। मगर वाह 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 वाह। बोलो धारी साहब बाबा की। मगर कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिखा है। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। आलम बहुत बहुत ही बढ़िया। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान सब मुल्कों से अच्छा हो। आइए जय हो जय हो जय हो। अरे क्या कहने साहब। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान सब मुल्कों से अच्छा हो, यहाँ की रात मतवाली यहाँ का दिन सुनहरा हो, तरक्की ही तरक्की हर तरफ मुझको दिखाई दे, तरक्की ही तरक्की हर तरफ मुझको दिखाई दे, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। और ये चार पंक्तियां आखिरी आप तक पहुंचाता हूं। अच्छा है। और मैं मतलब उसके बाद एक गीत भी। जी जी। मैं ये चार पंक्तियां इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये चार पंक्तियां मैं सरहद उस पार पहुंचा चुका हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी सरकार आपकी जानकारी के लिए बता दें, आलम भाई ने भारतवर्ष के बाहर खाड़ी देशों में और भी विदेशों में तमाम कविताएं पढ़ी हैं, इसके लिए तालियों का अभिनंदन एक बार हो जाए। और हामिद जी 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 भैरव सिंह शेखावत जी ने आपका सम्मान भी किया है, आपकी कविताएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत अच्छी कविताएं, हजारों की संख्या में आपकी कविताएं हैं, उसमें से गीत के लिए मैं निवेदन करूंगा। सुनिएगा साहब, ये चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। वाह। सरहद उस पार पहुंचा चुका हूं। हमारी सरकार पाकिस्तान से बातचीत बहुत करती है और मैं ये चाहता हूं कि वो बातचीत ना करे उससे। सुनिए ये चार पंक्तियां, मैं वहां तक पहुंचा चुका हूं। जन्म से जो बुरी आदत है अच्छी हो नहीं सकती। क्या बात है गुरु, क्या बात है। जन्म से जो बुरी आदत है अच्छी हो नहीं सकती, कि जैसे टेढ़ी दुम कुत्ते
छूटे किसी भी हो नहीं सकती। क्या देशभक्ति जैसे टेढ़ी दुम कूते किसी भी हो नहीं सकती। अगर हमने किए हमले तो फिर ये बात भी लिख लो, अगर हमने किए हमले तो फिर ये बात भी लिख लो। कभी फिर पाक की धरती पे खेती हो नहीं सकती, कभी फिर पाक की धरती भाई पे हो नहीं सकती, कभी फिर पाक की धरती पे खेती हो नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि साहब बाउंड्री पर इस प्रकार का कभी सम्मेलन करवाइए। ये मिलिट्री को किनारे करिए और आलम भाई जैसे लोगों को भेज करके एक कवि सम्मेलन मुशायरा करवाइए तो ज्यादा ताकतवर होगा। जय हो। सुनेंगे साहब, चार पंक्तियां और याद आई वो भी आप तक पहुंचा देता हूँ। भैया जल्दी से चाय बांटो, जल्दी। नहीं आपसे नहीं करें, आप चाय थोड़े बांट रहे हैं। मैं बहुत तेजी के साथ ये चार पंक्तियां आपको, ये हम तमाम भाइयों तक पहुंचाते हैं। सुनिएगा हुआ क्या इन चार पंक्तियों में। के चले तो साथ थे, चले तो साथ थे, चले तो साथ थे, गजब का जादू है आवाज में। राहों से कट गए हम लोग, चले तो साथ थे, राहों से कट गए हम लोग, न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग, न जाने कबीलों में बट गए हम लोग, और सियासी नाग फरिश्तों की शक्ल में थे खड़े। अजब कशिश थी उन्हीं से लिपट गए हम लोग, अजब कशिश थी। दोस्तों एक गीत का हुक्म हुआ है, ये कौमी एकजुटी का मंच है, मैं इस गीत को आप तक पहुंचाता हूँ। तमाम दुनिया भर में इस गीत को पढ़ चुका हूँ, आप तक भी इस गीत को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सुनेंगे दोस्तों, जो जाएगा बस दो तीन मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा इस गीत को। ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, मेरी नजरों में है तू सबसे महान और हसीन। ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, प्यारी 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 जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन। एक एक बंद पर ध्यान चाहता हूँ, तवज्जो का ताजी को सुनिएगा। एक इसका पहला बंद सुनिएगा कि होली के रंग यहाँ, ईद का नूर यहाँ, होली के रंग यहाँ, ईद का नूर यहाँ, आंखें हैं मस्ती भरी, दिल है मसरूर यहाँ, कोई देता है अजां, कोई गाता है भजन, खुश है मुस्लिम भी यहाँ और हिंदू भी मगन, एकता ऐसी जमाने में कहीं और नहीं। ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, ऐ मेरी प्यारी जमीन, और जगमग जगमग कलियर दिल्ली, जगमग जगमग कलियर दिल्ली, गुंबद गुंबद नूर तजल्ली, गुंबद गुंबद नूर तजल्ली, आरती
पूजा साधु जोगन, मथुरा काशी मुरली मोहन, मथुरा काशी मुरली मोहन, मादरे हिंद तेरे प्यार पे है सबको यकीन। ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, गोद में तेरी मैं सोया हूँ, गोद में तेरी मैं सोया हूँ, तुझसे बिछड़ कर मैं रोया हूँ, तुझसे बिछड़ कर मैं रोया हूँ, तेरी महक है मेरे मन में, तेरी खुशबू मेरे बदन में, तुझसे बढ़कर मेरी आंखों में कोई और नहीं। ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी। आखिरी बन आप तक पहुंचा, संतरी है जो तेरा वो हिमालय है यहाँ, संतरी है जो तेरा वो हिमालय है यहाँ, प्यार कहते हैं जिसे वो उजाला है यहाँ, तेरी उजली है फजा तेरा नीला है गगन, जब बरसती है घटा तेरा धुलता है चरण, वो जो दुनिया की है जन्नत वो है कश्मीर यही। तालियां 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 तालियां। मैं सुनवाऊंगा एक कविता मैं और सुनवाऊंगा, लेकिन शर्त है कि ये जो हमारे बहुत और दिग्गज रचनाकार हैं, चलिए सुनवा देते हैं। देखिए, भारतवर्ष के बराबर दुनिया में कोई देश नहीं, जिस देश में पीपल भी लंगोट पहनता हो कोई दुनिया में देश मिलेगा आपको क्या? पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए, नहीं है। आलम भाई एक रचना और पढ़ते हैं, एक रचना आलम की होगी और उसके बाद ये कवि सम्मेलन सीधे सीधे, अभी हास्य के बड़े दिग्गज कवि हमारे मंच पर हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए। चलिए, आपके निवेदन को, आपके आदेश को मैं सर आंखों पर रखता हूं और भाई आलम भाई से मैं चाहता हूं एक छोटी सी कोई रचना, लेकिन आपकी तालियां कमजोर ना हो, बड़ी कविता को आपकी कमजोर तालियां कमजोर ना कर दे। आलम भाई एक कविता हो जाए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का जी, सामने हजरात का, श्रोताओं का, वाह कि आपने मुझे फिर दोबारा बुलाया। देखिए, श्रोता ही ऐसे हैं जो दोबारा बुला सकते हैं। जी जी, वरना वरना भगवान भी किसी को दोबारा नहीं बुलाते। सच है। चलिए साहब, वो नीरज पांडे जी ने एक गीत का हुक्म किया है जी, दिया है मुझे, मैं उसको आप तक बिल्कुल 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 आओ आओ। गजल अजल का तो मौका नहीं है, वरना सुना देता, लेकिन चूंकि गीत का हुक्म हुआ है मैं सुना देता हूँ। चलिए, गजल तो आप सुना देंगे फिर कभी, गीत। बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है। शाबाश। बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है, यही धरती है सबसे महान, यहीं पे हमें रहना है, यही धरती है सबसे महान, यहीं पे हमें रहना है, ये देश अहिंसा वाला है, ये देश अहिंसा वाला है, पहने हुए प्रेम की माला है, सागर भी नदी का धारा भी, मस्जिद भी यहाँ गुरुद्वारा भी, सागर भी नदी का धारा भी, मस्जिद भी यहाँ गुरुद्वारा भी, यहाँ मंदिर में है भगवान, यहीं पे हमें रहना है, बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है, बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है। एक इसका बन और सुनाऊंगा, उसके बाद एक
मतला और दो शेर गजल का भी सुनाऊंगा। मेरा और गजल दोनों हो जाएंगे साहब। बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है, यहाँ घुंघरू गीत सुनाते हैं, यहाँ घुंघरू गीत सुनाते हैं, यहाँ कंगन शोर मचाते हैं, यहाँ प्यार की मुरली बजती है, डोली में दुल्हनिया सजती है, यहाँ प्यार की मुरली बजती है, डोली में दुल्हनिया सजती है, यहाँ होता है कन्यादान, यहीं पे हमें रहना है। बड़ा प्यारा है हिंदुस्तान, यहीं पे हमें रहना है। बस यहाँ से गीत मैं रोकता हूँ और एक मतला और दो शेर गजल का आप तक पहुँचा। गीत और गजल दोनों सुनाओ यार। कि अब कोई आए चरागों को जलाने वाला, अब कोई आए चरागों को जलाने वाला, इन मकानों से अंधेरा नहीं जाने वाला, इन मकानों से अंधेरा नहीं जाने वाला, और क्यों ना हर मोड़ पे एक शम्मा जलाता जाऊं, क्यों ना हर मोड़ पे एक शम्मा जलाता जाऊं, ताकि भटके ना मेरे बाद में आने वाला, ताकि भटके ना मेरे बाद में आने वाला। और आखिरी शेर मोहब्बत के साथ अच्छा है, कि गर्दिशे वक्त जो मिल जाए तो ये कह देना, गर्दिशे वक्त जो मिल जाए तो ये कह देना, उठ गया आज तेरा नाज उठाने वाला, उठ गया आज तेरा नाज उठाने वाला।